दोस्तों, अभी तक आपने IIEG फाइल के अंदर जो टूल्स थे और हमारे ऊपर टॉप पे जो हमने बटन्स दे रखे हैं और हॉरोस्कोप के अंदर जो हमारे बटन्स थे उनके बारे में अभी तक आपने लास्ट वीडियो में जाना। अब हमारा जो अगला बटन है वो है हॉररी चार्ट। आप हॉररी पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर आप हॉररी में नाम भर सकते हैं, सेम आप उसमें कैटेगरीज भी ऐड करना चाहें कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और करंट टाइम की आप हॉररी ले सकते हैं। और हॉररी में विशेष एक चीज़ का ध्यान रखना है, हॉररी आप जो यहाँ यूज़ करेंगे मित्रों वो आप 1 से 249 और 1 to 2193 हॉररी आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। मोस्टली आप KP के केस में हम 1 से 249 की हॉररी लेते हैं। मान लीजिए मैंने 99 नंबर की अभी हॉररी ली। और हॉररी में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपका जो प्लेस होगा वो ऑलरेडी पहले से ही बाय डिफॉल्ट आप जहां बैठे हैं वो होना चाहिए। जैसे मैं फरीदाबाद में हूं तो अभी फरीदाबाद यहां आ रहा है, 99 नंबर मैंने लिया। और आप हॉररी में कोई नाम भरना चाहते हैं, करंट हॉररी कोई भी नाम से आप, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक क्लाइंट थोड़ी देर पहले आया, मैंने उसका नाम अभी राजू है उसका नाम रखा, देन ओके आप करेंगे, आप सेव करना चाहते हैं। अब आप देखना चाहेंगे कि ये कहाँ पर सेव हो रहा है, डू यू वांट सेव, आप तो बड़े ध्यान से देखिए ये कोलिग्स में जा रही है, क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, सेव डाटा। अब आप देखिए ये आपका हॉररी चार्ट लग चुका है, अर्थात यहाँ आपको बड़ा क्लियरली समझने को मिलेगा कि सबसे पहले आपने टॉप पे देखना है आपका हॉररी। हॉररी चार्ट जो है प्रश्न कुंडली हमारी जो कृष्णमूर्ति पद्धति की एक बड़ी ही विशेष विधि है, जिससे आप विदाउट डेट ऑफ बर्थ किसी भी यजमान की आप कुंडली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैं आप बेसिक डाटा में खोल के दिखाता हूँ तो आप उसका नाम देखेंगे, वहाँ हॉररी लिखा आएगा, कुंडली का आपने सिलेक्ट किया है और जो आपका जो है नंबर था वो 99 था आपने देखा। और नंबर 99 होने से आपकी जो लगन बनी इस समय सिंह लगन की कुंडली बनी है, आप ये देख सकते हैं। अब मित्रों ये सारे के सारे रूल्स जो अब हॉररी में जितने भी रूल्स यहाँ लगने हैं वो पहले ही ऑलरेडी हम हॉरोस्कोप में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि ये सारे वही टूल्स हैं, आप करंट दशा किस हिसाब से देखेंगे, उसकी दशा फल कैसे निकालेंगे, दशा प्रॉमिस क्या है, उसका क्या रहा, सारा का सारा निचोड़ हमने यहाँ पहले ही आपको बता चुके हैं। और हॉररी में आप डायरेक्ट आपको क्लियर कर दूँ, वैसे तो वंशोत्तरी दशा की इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं होती है जब आप किसी हॉररी को लगाते हैं। हॉररी में हमें केवल ये देखना होता है, मान लीजिए व्यक्ति विवाह के लिए आया है तो सातवें भाव का सब लॉर्ड और सब लॉर्ड इन स्टार, या इस तरह से आप नहीं देखना चाहते तो इस डायरेक्ट आप भावफल में जाके 7th हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सिलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। 7th हाउस का सब लॉर्ड 2-7 को इंडिकेट करता है, यस मैरिज के लिए प्रॉमिस है, आपकी घटना आपके जिस लिए आप आए हैं वो कार्य होगा। दूसरा तरीका ये है, आपको अगर मान लीजिए 7th हाउस का जो हमारा सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड प्लैनेट आपने उठा लिया है वो शनि है, आप IIEG एडन स्क्रिप्ट में जाइए, शनि की स्क्रिप्ट को देखिए, शनि क्या कहता है, 5, 6, 7 किसके नक्षत्र पर है, चंद्रमा के पर, 5, 12 सब लॉर्ड कौन है, राहु। टेनेंटेड हिडन स्क्रिप्ट में आपको जाना है सबसे पहले, ये क्या चीज़ है दोबारा बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, शनि किसके नक्षत्र पर बैठा है, चंद्रमा के पर। तो चंद्रमा हमारा आप देखिए 1 से 12 भावों में कहाँ पर आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, चंद्रमा 10 पे आ रहा है। तो आप देखिए IIEG पर क्लिक करा, शनि वाले कॉलम में 2 और 10 आ रहा था, ये देखिए, समझ गए होंगे आप, अर्थात जो हमारा स्टार लॉर्ड होता है वो 1 से 12 भावों में सब लॉर्ड लेवल स्टार लॉर्ड लेवल पर क्या इंडिकेट करता है, उस भाव से संबंधित भी घटना को वो बताएगा जरूर। देन टैलेंटेड है अनटैलेंटेड है, शनि जो है यहाँ पर जो है चंद्रमा के रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र के रिजल्ट दे रहा है 5-12 के साथ, चंद्रमा 5-12 को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब वो 5-12 के नंबर को डिलीवर करेगा, ये कंफर्म हो चुका है। और एस्पेक्ट में शुक्र के साथ उसका संबंध है और शुक्र यहाँ पर 2-3-10 को दे रहा है। तो यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशंस में पूरे स्क्रिप्ट में 2, 7, 11 को कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली 7 यहाँ दशा ने दे दिया, बट नक्षत्र लेवल पर वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है 5-12 को, और राहु सब लॉर्ड लेवल पर 2 भी दे रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं काम तो बन जाएगा, ये बात प्रॉमिस है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 6 और 10 भी यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। तो IIEG स्क्रिप्ट जो है इस तरीके से आप पूरी व्यक्ति की सारी चीज़ को अच्छे प्रकार से खंगोल सकते हैं, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप हॉररी को भी यूज कर सकते हैं सारे बटन्स के द्वारा। अगला है हमारा हॉररी केवल इंस्टेंट प्रश्न।
इंस्टेंट प्रश्न मित्रों क्या मतलब है इस चीज का? इंस्टेंट प्रश्न का मतलब है आपने अभी इंस्टेंट वर्तमान समय में क्या टाइम टेबल चल रहा है और क्या हमारा जो प्लेनेट की जो डायरेक्शंस हैं, कौन सा प्लेनेट किस राशि स्टार सब पर है, वर्तमान स्थिति कितने डिग्री मिनट पर है, वो सबको बताता है। जैसे ही आप इंस्टेंट प्रश्न पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे प्रश्न लिखा आएगा और आप नीचे देखिए अभी की जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16/9/2021 सुबह 9:34 पर ये है, इस समय की वर्तमान पोजीशन प्लेनेटरी क्या चल रही है उसको ये दर्शा रहा है। लोग इसको भी जब रेफर करते हैं क्योंकि तो जब आप कभी किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें इंस्टेंट प्रश्न की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि मून और मून का नक्षत्र के माध्यम से भी आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति पूछना क्या चाहता है और इस प्रकार आप इंस्टेंट प्रश्न को भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट प्रश्न से हमें बहुत सारी चीजों में लाभ मिलेगा, वर्तमान स्थिति में व्यक्ति की क्या पोजिशन चल रही है, वर्तमान इसकी इस समय जब व्यक्ति आया कौन सी हमारी लगन चल रही है, ये सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं और इसी प्रकार आप इसमें बेसिक डिटेल्स भी आप जान सकते हैं, आज की क्या डिटेल्स हैं, क्या हमारा इस समय नक्षत्र है, क्या कौन सी लगन है, ये सारी चीजें आप इंस्टेंट प्रश्न से जाने। अंदर के टूल्स बार बार मैं बोल ही रहा हूँ वो सेम है, मैं आपको हॉरोस्कोप में बता चुका हूँ इन सारे टूलों के बारे में, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है मित्रों IAG फाइल्स के अंदर मैं आपको अब तक ओपन डिलीट के बारे में बता चुका हूँ, ओपन डिलीट फाइल्स आप समझ ही चुके होंगे, हॉरोस्कोप्स के सारे टूल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, हॉररी आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ, इंस्टेंट प्रश्न आपके बारे में फाइनल हो चुका है। अब जो हमारे कुछ रूल्स आगे आने वाले हैं उनको मैं रूलिंग प्लेनेट, एडवांस रूलिंग प्लेनेट और विनर फाइंडर को कवर करूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो यहां तक के लिए अभी तक मैं इस वीडियो में जो अभी आपकी पार्ट 3 की वीडियो है उसमें एक बार छोटा सा मैं रिपीटेशन करना चाहूंगा। मित्रों जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करें, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है पुराने वाले वर्जन का, आपके पास कौन सा वर्जन है, यदि 2.5 है या उससे भी लेटेस्ट है तो आपने उस वर्जन का बैकअप लेना है और बैकअप लेने के बाद IIAG टूल में जाना है और नीचे चार्ट डाटा रिस्टोर फ्रॉम ओल्ड वर्जन पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ जहाँ आपने वो लोकेशन अपनी रख रख के, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रख रखा है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने का तो ओके, देन आप ओके करेंगे तो मेरा पुराने जो 2.5 था या उससे पुराने वर्जन का बैकअप था वो मेरे इस नए वर्जन में आ जाएगा। फिर आपको पुराने वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल ओपन डिलीट में जाके मेरा पुराना सारा का सारा आ चुका है। मित्रों दूसरी बात एक ध्यान रखनी है, जब आपका ये पुराना, जब आप इस पे काम करने लगे नए वर्जन पर तो आपने मान लीजिए बैकअप लेना है तो आपको अब बैकअप जो लेना होगा IAG टूल में जाके अब नए डाटा का बैकअप लेना है, चार डाटा बैकअप्स, अब ये बैकअप काम करेगा आपका, आपको उसी पुराने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप बैकअप में जाएंगे कभी मान लीजिए आपको फ्यूचर में इंस्टॉल करना पड़े तो बैकअप लेकर रखना पड़ेगा नए वाले का, फिर आप उसे यहीं से रिस्टोर कर सकते हैं, पुराने वाले पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड है कि हमारा पुराना बैकअप हमें चाहिए, तो ये विशेष सुविधा इसमें दी गई है आप देख सकते हैं। तो अब तक हमने मित्रों बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है, अब हम आगे की वीडियो के अंदर जानेंगे नई चीज़ों के बारे में।